आतंकी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने फिर से सख्त लहजे में संदेश दिया है कि उसे जल्द आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे भारत के काम को अमेरिका ने सराहा है और कहा है कि वो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अमेरिका ने फिर दोहराया कि आतंकी संगठनों या किसी भी आतंकी के खिलाफ कार्रवाई में वो भारत के साथ है। भारत और अमेरिका के बीच ये बातें काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट ग्रुप की एक मीटिंग में हुई। दोनों तरफ के अधिकारियों के बीच ये मीटिंग 29 मार्च को वॉशिंगटन में हुई। इसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी महावीर सिंघवी ने किया। बैठक के बाद साझा बयान में कहा गया कि भारत और अमेरिका दोनों देश इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान को आतंकी और आतंकवादी संगठनों को रोकने के लिए जल्द ठोस, अपरिवर्तनीय और भरोसा करने लायक कदम उठाने होंगे। भारत जिस तरह से काउंटर टेररिज्म के खिलाफ कदम उठा रहा है वो सराहनीय है। बैठक में किन आतंकी संगठनों का जिक्र हुआ इसका तो फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन इसमें मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम भी शामिल हो सकता है। दरअसल भारत मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित करने की मांग कर रहा है, लेकिन चीन बार बार इसमें अड़ंगा फंसा रहा है। लेकिन अब अमेरिका के साथ फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी भारत के साथ आ गए हैं और मसूद को वैश्विक स्तर पर ब्लैकलिस्ट करने की कोशिशों में लग गए हैं। बता दें, पाकिस्तान पर पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद प्रेशर बढ़ गया है। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले के पीछे जैश का नाम सामने आया था, जिसका सरगना मसूद पाकिस्तान में है। आतंकी संगठनों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक भी की थी, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। हालांकि पाकिस्तान लगातार इस बात को नकारता रहा है कि उसके यहाँ किसी भी तरह के टेरर कैंप हैं या उनकी सरकार किसी तरह के आतंकवाद को पनाह दे रही है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी इंटरव्यू में यह कबूल किया था कि मसूद पाकिस्तान में ही है, जिससे उसकी पोल खुल गई थी, जिससे साफ हो जाता है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान की नीति कितनी ढुलमुल है और पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।